आप જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક અને હું છું આપની સાથે ધરા એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે ઉત્તરાખંડ સિલક્યારા ટનલમાંથી તમામ મજૂરો સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે 17 દિવસની મહેનત બાદ આજે સફળતા મળી છે તમામ મજૂરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યું છે તમામ મજૂરો બહાર નીકળતા ભારતમાં દિવાળી જેવો માહોલ જી હા દિવાળીના દિવસે આ घटना सामे आवी हती त्यारबाद थी सतत प्रयासों चालू हता दिवाळीना दिवस थी आ रेस्क्यू ऑपरेशन चलावामां आवी रह्यो हतो 41 मजूरो आजे दिवाळी उजवशे ते प्रकारनो माहोल हाल तो जोवा मळी रह्यो छे केम के 17 दिवस बाद तेओ बहार निकळ्या छे 7:55 कलाके पहेलो मजूर बहार आव्यो मात्र 38 मिनिट अने 21 सेकंडमां तमाम मजूरो बहार निकळी गया छे आ सौथी मोटुं ऑपरेशन पार पाडवामां आव्युं छे तो पीएम नरेंद्र मोदीए पण शुभेच्छा पाठवी छे 17 दिवस जे मेहनत करवामां आवी घणी बधी वार घणा बधा पड़कारोनो सामनो पण करवो पड्यो आखरे आ मोटी सफलता मळी छे 41 मजूरो सुरक्षित रीते बहार आवी गया छे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामीए जानकारी आपी के तमाम मजूरो स्वस्थ छे तमामने होस्पिटलमां खसेडवामां आवशे अने तेओने 48-72 कलाक सुधी निरीक्षण हेठळ राखवामां आवशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी आपवामां आवी तो तमाम मजूरो सुरक्षित बहार निकलता पीएम नरेंद्र मोदीए पण अभिनंदन पाठव्या छे रेस्क्यू ऑपरेशन में सामेल आखी टीम ने अभिनंदन पाठवामां आव्या छे मुझे बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की परिश्रम किए अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है ये बहुत गहरा संकट था पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया इन लोगों की जान बची उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं देता हूं और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके आभार व्यक्त करता हूं ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्रेजाइल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है उनके उज्जवल भविष्य की कामना बहुत बहुत धन्यवाद तो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ट्वीट करी छे तमाम ने अभिनंदन पाठव्या छे जवानों की सफलता तमाम ने भावुक करनारी छे 17 दिवस थी जे मेहनत करवामां आवी रही हती घणा बधा पड़कारोनो सामनो कर्या बाद आखरे आ मोटी सफलता 41-41 मजूरो बहार आवी गया छे जवानोनी सफलता तमाम ने भावुक करनारी छे पीएम नरेंद्र मोदी आ कह्युं छे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन बाद पीएम नरेंद्र मोदी आ ट्वीट कर्युं छे दिवाळीना दिवसे ज्यारे आखो देश दिवाळी मनावी रह्यो हतो तमाम लोको परिवारजनो साथे हता त्यारे आ तमाम मजूरो આ ઘટનાનો સામનો કરી રહ્યા હતા અને આ હાદસામાં 41 મજૂરો દટાઈ ગયા હતા આ ટનલમાં ફસાયેલા તમામ મજૂરોને આખરે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે તો હાલ તો ખુશીઓ મનાવવામાં આવી રહી છે કેમ કે આખરે 17 દિવસની મહેનત બાદ આ મોટી સફળતા મળી છે ઘણા બધા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો ઘણી બધી વાર તેમના પરિવારજનો હિંમત હારી જાય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા પરંતુ આ જવાનોની મહેનતના કારણે
17 દિવસના આ રેસ્ક્યુ બાદ તમામ 41 જવાનો 41 જે મજૂરો હતા તે બહાર આવી ગયા છે.